Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त होमेन गोस फिर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि पतंगों का क्या क्या साइज़ होता है जो हम लोग छतों पे और फेस्टिवल्स में उड़ाते हैं और आपस में एक दूसरे का पेंच वगैरह काटते रहते हैं. तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बनाएंगे इसमें हम पतंगों में टेप वगैरह कैसा लगाना चाहिए और पतंगे किस तरह का ख़रीदना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा. तो फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे हैं, काफ़ी छोटे जो बच्चे हैं 5 साल से लेकर 8-10 साल तक के, वो इस तरह की ढाई की पतंग उड़ा सकते हैं. और जो 10 साल से लेकर 15-16 साल के या उससे भी बड़े लोग जो हैं, इस ये मझोली की जो पतंग है इस तरह की पतंग उड़ाइए. और जो 15-16 साल से लेकर के 20-25 साल तक यानी फुल ग्रोन लोग भी इस अधी की पतंग को उड़ा सकते हैं. इसमें ये भी बहुत अच्छा रहता है छतों से उड़ाने के लिए. और पौने की पतंग थोड़ा सा जो है ये क्लब वालों के लिए होता है, तो इसलिए छतों पे कम ही उड़ाएं, लेकिन फिर भी आप उड़ा सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं कि पतंगों किस तरह का पतंग आपको ख़रीदना चाहिए. जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसका पतंग का कमान और ठड्डा देखना है कि पतंग का कमान और ठड्डा जो है किस तरह का है और पतंग में मोहर वगैरह लगा हुआ है कि नहीं. और ठड्डा ये आप देख सकते हैं कि ये सेका हुआ ठड्डा है. ये देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा क्लोज करके दिखाए. ये सेका हुआ ठड्डा है और कमान भी देखिए बहुत खूबसूरत लगा हुआ है. तो इस पतंग के शेप को देखने से ही पता लग जाता है आपको कि ये एक परफेक्ट पतंग है. तो और इसमें ये देखिए, यहाँ पर मोहर भी लगा हुआ है RK काइट्स. ये कहीं शायद फरुखाबाद का बना हुआ है. तो इसी तरह से जो बहुत अच्छा कारीगर होता है अपने पतंगों के अंदर मोहर लगाता है. तो फ्रेंड्स, जब भी आप पतंग खरीदने के लिए जाए तो सबसे पहले आप उसका ठड्डा चेक करें. ठड्डा ना बहुत हार्ड होना चाहिए और न ही बहुत मुलायम होना चाहिए, यानी ना तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए. आप उसको इस तरह से करके देखें तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए. ये जो जंप ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका ठड्डा बहुत अच्छा लगा हुआ है. उसके बाद आपने देखना है कमान. ये ठीक इसी तरह से ये कमान भी चेक करना है. तो ये जो कमान है ये भी जब आप इसको चेक करेंगे तो ये भी बहुत ना, तो कमान को चेक करने के लिए इस तरह से करना पड़ता है. जब आप इसको चेक करेंगे तो ना बहुत हार्ड होना चाहिए ना बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल मीडियम होना चाहिए. तो ये तो पतंग को ख़रीदने से पहले आप चेक करके पतंग खरीदिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसमें टेप लगा करके दिखाते हैं. तो और पतंगों में टेप लगाना क्यों ज़रूरी होता है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि पतंगों में टेप लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप आसमान में पतंग उड़ाते हैं तो पतंग के अगर आप टेप नहीं लगाएंगे तो पतंग आपका यहाँ से फट जाएगा. इस कॉर्नर सबसे पहले इन दोनों हिस्सों से फटता है पतंग, या तो यहाँ से फट जाएगा या तो यहाँ से. और फटने के बाद क्या होता है कि ये पूरा के पूरा ही फट जाता है. फिर पतंग जो है इतना पूरा हिस्सा फट जाता है तो आपका पतंग ख़राब हो जाता है और ये ज़मीन पे गिर जाता है. तो इसलिए पतंग को जैसे ही आप ख़रीदें तो इसमें तुरंत टेप लगाएं. हालांकि इस तरह की हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं लेकिन यूट्यूब इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है कि इसके अंदर छोटी बड़ी हर किस्म की वीडियोज़ खो जाती है. तो इसलिए हम लोग को हर साल नया वीडियो बनाना पड़ता है. तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम दिखाते हैं कि आपको टेप किस तरह से लगाना है. ये देखिए फ्रेंड्स, आप जो मैं इसमें आपको एक वाइट टेप से लगा करके दिखाता हूँ. हालांकि आप जब लगाएंगे तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट टेप लगाएंगे. इस तरह के ट्रांसपेरेंट टेप आएगा मार्केट में. ये मोटा टेप 20 रुपये का आता है, इसका पतला टेप 10 रुपये का आता है. तो आप चाहे मोटा खरीद लीजिए चाहे पतला खरीद लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इस साइड में टेप लगाएंगे और इसको टेप को लगाने का दो मेथड है, वो हम दोनों ही मेथड आपको दिखाएंगे. ये देखिए, जहाँ पे ये जॉइंट आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये जॉइंट, इस जॉइंट के 1 सेंटीमीटर ऊपर रखना है टेप लगाने से पहले. आप बिल्कुल पास कर ला करके हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से, जैसे ये जॉइंट है, जॉइंट से थोड़ा सा आप ऊपर रखेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे करके पेस्ट कर देंगे ये. और इसका जो बाकी का हिस्सा बचेगा इसको बैक साइड में आप लगा देंगे. मैं पूरा एकदम लगा करके आपको दिखाता हूँ. अब ये देखिए, दूसरी तरफ भी हम लगाएंगे. ये मैं वाइट टेप से इसलिए लगा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा. फिर यहाँ पे देखिए जॉइंट है, जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर के हिस्से में, यानी इस हिस्से में 1 सेंटीमीटर ऊपर ज़रूर लगाइए आप इसको, ये लाइक दिस. और ये देखिए, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका जो बाकी हिस्सा बचा उसको बैक साइड पे टर्न कर दिया. इसी तरह से जो है, अब छोटे टेप लीजिए, इस साइज़ का टेप लेकर के जो यहाँ पे जॉइंट दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे जॉइंट दिख रहा है, तो इस जॉइंट के ऊपर क्या है, टेप का आधा हिस्सा इस जॉइंट के ऊपर रखना है और आधा हिस्सा इस साइड रखना है. और इसको ये देखिए, हमने यहाँ पे घुमा दिया. ठीक इसी तरह से जो है आप यहाँ पे भी आ जाइए. ये देखिए यहाँ पे जोड़ है, जोड़ के थोड़ा सा हिस्सा जो है आप ऊपर चढ़ा देंगे और थोड़ा सा ऐसे इसको रिवर्स घुमा देंगे. अभी दो टेप और लगेगा यहाँ पे.
ये देखिए मैं यहाँ पे भी टेप लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि टेप लगाने से पतंग भारी हो जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, पतंग बिल्कुल भी भारी नहीं होती है और पतंग बहुत मस्त उड़ता है टेप लगाने से। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपकी पतंग जो है आसमान में पहुँचने के बाद फटेगी नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा वाइट टेप लगा दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये पूरा वाइट टेप आप देखिए, आपको पूरा के पूरा समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से। और इसका मैं रिवर्स हिस्सा भी दिखाता हूँ, रिवर्स हिस्से को भी देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि टेप किस तरह से लगाया गया। अब बचा इसका ये सर का हिस्सा, तो यहाँ पे भी टेप लगाना ज़रूरी होता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है। मैं इसको भी टेप लगा करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेड कलर का टेप लगा करके दिखाता हूँ। उसका वजह ये है कि अगर मैं ऐसा वाइट टेप लगाऊंगा तो ये वाइट पेपर है तो यहाँ पर खो जाएगा, छिप जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ के लिए एक रेड टेप लिया। रेड टेप लेकर के मैं इसको, ये देखिए आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा ऐसे करके आप इसको बाकी पीछे से ऐसे घुमा दीजिए। ये आपका यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, ये फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक इसके रिवर्स साइड में भी टेप लगाना होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिवर्स साइड में कैसे लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों टेप लगाया जा रहा है, यहाँ पे क्या रोल है। अभी मैं सारा टेप का जो फंक्शन है, टेप लगाने का जो कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए ये आपकी पूरी पतंग जो है, पहले आप इस साइड को देख लीजिए कि किस तरह से लगाया है और अब आप इस साइड को देख लीजिए किस तरह से लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको तरीका दिखाया, एक तो ये वाला तरीका दिखाया, आप इसको देख लीजिए ठीक से, ये तरीका था। और ये लेकिन एक तरीका और भी है टेप लगाने का, वो भी बहुत अच्छा है। वो मैं सिर्फ इतने हिस्से का सेम अलग हट करके है थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये जो जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे एक जॉइंट दिख रहा है, अगर आप ठीक से देखेंगे, इस जॉइंट से आधा इंच इधर रख करके बाकी हिस्सा टेप का इधर कर देना है। ये देखिए मैं रख रहा हूँ, ये देखिए ये जॉइंट के इस तरह से रख दिया और अगेन जो है इधर का भी जो है एक टेप हम लगा देते हैं। और यहाँ पे भी ठीक सेम मेथड से ही लगाएंगे, जैसे कि उधर लगाया था वैसे ही इधर भी लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा करके, यानी जो जॉइंट के ऊपर चढ़ा करके इधर लगा दिया। अब क्या करना है इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए, ये आपने लगाया ना, इसके बाद मैं, आप तो ऐसे इस स्टेप से ही लगाएंगे या इस स्टेप से लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ठीक से समझाने के लिए इसको दिखाता हूँ। ये देखिए अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो आपने लगाया था इसके ऊपर आप ठीक से देख लीजिए इसको, इसके ऊपर मैंने ऐसे रखा और रख करके ये इसको इधर कर दिया और ठीक इसी तरह से इसको इधर आप माउंट कर देंगे। ये देखिए ये माउंट हो गया और ये इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे, जैसे उधर रखा था वैसे इधर भी रखेंगे। ये इस तरह से रखा और इसको इस तरह से रिवर्स करके इसे घुमा करके इसको भी माउंट करके ऐसे चिपका देंगे। अब मैं फ्रेंड्स आपको दोनों ही पतंग दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, इसमें टेप मैंने ये वाला, सिर्फ ये पोर्शन जो है इसका, ये वाला हिस्सा, इसमें टेप जो है हमने इस तरह से लगाया है और इधर रिवर्स घुमा दिया था। लेकिन इसमें हम बाकी सारा के सारा ऐसा ही रहेगा जैसा इसमें है, बाकी सारा हिस्सा सारा ऐसा रहेगा, इधर वाला भी हिस्सा ऐसा रहेगा। लेकिन इसमें हमने कैसे लगाया, इसमें हमने ये देखिए लंबा टेप लगा दिया और लंबा टेप जो है थोड़ा सा चढ़ा करके लगाया था उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर, इधर वाला भी लंबा टेप लगाया और यहाँ पर देखिए हमने रेड कलर का दूसरा टेप से ऐसे माउंट कर दिया, ताकि ये हवा के प्रेशर से, कितना भी हवा का प्रेशर रहेगा यहाँ से जॉइंट से खुल नहीं पाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है, मैंने आपको दोनों ही मेथड दिखा दिया। और जो क्लब काइट फाइटर्स हैं ये दोनों ही मेथड को यूज़ करते हैं। अब मैं इसको बता दूं कि इसको क्यों लगाया जाता है। फ्रेंड्स जब आप पतंग उड़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा पतंग का जो हवा का प्रेशर रहता है इस पॉइंट पर रहता है, तो इसलिए जब आपने यहाँ पर टेप लगा दिया तो इस पॉइंट का फटने का सरदर्दी ख़त्म हो गया। पतंग जो है कई बार जो है आप उड़ाते उड़ाते किसी बिल्डिंग पे टकरा जाता है, पेड़ पे टकरा जाता है या तार पे टकरा जाता है, तो क्या होता है ऐसे आकर के हाँ से बिल्कुल हाँ से टकराता है, तो ये देखिए आपका पतंग नहीं फटा। इसका मतलब क्या है, अगर ये टकराया और फिर इसकी मुड्डा सीधा हो गया, आपका पतंग आसमान में फिर उड़ गया, फिर इधर भी टकराया, इसका मुड्डा सीधा हो गया आसमान में फिर उड़ गया,
तो इससे क्या आपकी पतंग फटेगी नहीं। और इसलिए क्या है फ्रेंड्स, इस तरह से टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप टेप लगा देते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरी पतंग जो है आसमान में फटेगी नहीं, अब जो है आप अपनी मर्जी का पेच लड़ा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पतंग आसमान में उड़ाया 10-20 गज 50 गज जाने के बाद ही आपकी पतंग अगर फट गई ना, तो सबसे पहले क्या होता है मालूम है, रुपया पैसा तो वेस्ट होता ही है, लेकिन आपका मूड भी बड़ा ऑफ हो जाता है। आप सोचते हैं कि यार इतना मेहनत किया, कन्ना बांधा, ये किया, वो किया, ताम झाम, सोचा कि मैं उसका इस तरह से पेच काट लूँगा, उस तरह से पेच काट लूँगा, ये क्या, आपकी पतंग तो पहले ही फट गई। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो क्लब काइट फाइटर्स होते हैं वो टेप जरूर लगाते हैं, आप उनकी पतंगों में देखेंगे टेप जरूर लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया कि क्यों टेप लगानी चाहिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो के अंदर देखते हैं कि किस तरह का जो है कन्ना बांधना चाहिए, वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं। और कन्ना बांधने के भी कई तरीके होते हैं, एक दो तरीका नहीं होता है, तो मैं उन कई तरीकों को आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।